यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। आज नेटरी कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 36वीं शहादत दिवस और पहले गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री रहे लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर किसानों के अधिकार और किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि 9 नवंबर को वनाधिकार आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पौड़ी से की जाएगी। सबसे पहले तो आज हमारा जो जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इंदिरा जी और सरदार पटेल साहब, इनकी जयंती है और इनकी पुण्यतिथि है, उनको नमन करने के लिए। और क्योंकि किसानों के लिए सरदार पटेल साहब जो है वो उनके आइकॉन थे, बल्कि उनके सबसे विश्व के बड़े नेता थे। और किसानों की जो हालत आज यहाँ पर कर दी है केंद्र सरकार ने, जिस तरीके उन्होंने एक्ट और बिल बनाए हैं, उनको वापस ले सरकार, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर जो है दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वनाधिकार मुझे खुशी है कि लोगों का ध्यान धीरे धीरे अब जो ये पहले इन विषयों पर जाना चाहिए था उस पर जा रहा है। और हमारा अगला चरण जो है 5 तारीख से मैं और हमारे साथी सब लोग जो हैं भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेकर के, और उसको बद्री वन कहा जाता है, वो वनों का उससे बड़ा और क्या होगा कि भगवान विष्णु को भी बद्री के पेड़ के नीचे जो है वो आश्रय मिला, तो इसलिए हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से आंदोलन सफल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरणीय विषयों को लेकर के उत्तराखंड का बड़ा भारी योगदान रहा है। अगर पर्यावरण पर सबसे पहले अगर लोगों की नज़र गई, तो जब गौरा देवी जिन्हें रैणी से उस बहुत ही सुदूर गांव से जंगल से जब ठेकेदार जो है पेड़ों को काट रहे थे और वो चिपक गई हमारी बहनें उस पर, तो हम वहाँ संकल्प लेंगे कि जिस भावना से उन्होंने इन वृक्षों को बचाने का काम किया, उसी भावना से हम जो हमारे वनाधिकार हैं पुस्तैनी हक हो गए। जैसे हमारा आपने रोजगार छीन लिया, तो यहाँ उत्तराखंड के बच्चों को जो है केंद्र सरकार की नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकार, राज्य और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि उसको पक्की सरकारी नौकरी मिले, जिसमें तनख्वाह 20,000 रुपये से कम ना हो, ये हमारी दूसरी मांग है। हमारा पानी है, हमारी बिजली है, और आपने हमारी जलावन की लकड़ी पर कब्जा कर लिया, तो एक गैस सिलेंडर और बिजली और पानी यहाँ निःशुल्क जो है लोगों को मिलना चाहिए। हमारे जो पुस्तैनी हक हकूक थे, हम अपना मकान छानी बनाते थे, झूम की खेती करते थे, तो कम से कम लकड़ी बजरी और पत्थर, हम ही नहीं करें हम जंगल काट देंगे, उसका आप तरीका निकालिए भाई, इसमें ईंट दीजिए आप, सरिया दीजिए आप, सीमेंट दीजिए, तो एक यूनिट बनाने के लिए जो है सरकार जो है वो निःशुल्क हमको जो है यहाँ के लोगों को दे। उसके अलावा जो जंगली जानवर अगर नुकसान कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो 25 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। प्रतिनाली जो है अगर जंगली जानवर नुकसान कर दे रहे हैं, वैसे गांव खाली हो गए, 2000 गांव खाली हो गए, नहीं तो और भी खाली हो जाएंगे, तो कम से कम 5,000 रुपये प्रति नाली तो मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ की जड़ी बूटियों पर यहाँ के स्थानीय युवाओं का अधिकार होना चाहिए और प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए और तुरंत यहाँ चकबंदी होनी चाहिए। इन विषयों को लेकर के रैणी से जो है हम इस जो अगला चरण है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।